ना हेलो नमस्कार दोस्तों, सही का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फोर एजुकेशन में। तो दोस्तों आज एक न्यूज़ निकल कर आई है, और दोस्तों ये जो न्यूज़ निकल कर आई है वो DRDO में वैकेंसी के लिए है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी आने वाली है वो इसकी जो पोस्ट है वो दोस्तों आप देख सकते हो साइंटिस्ट बी के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी पोस्ट पर ये वैकेंसी आने वाली है, तो दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपसे क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांग गया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों आइए चल देर ना करते आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। सो नाउ सोवेल दोस्तों देखो, ये जो मैंने आर्टिकल ये लिया है ये दोस्तों ये जो है NDTV का है, और दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिख यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा गया है DRDO इंक्रीज वैकेंसी फॉर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट्स, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो ये जो है पूरी ये जो आर्टिकल छपा था जो NDTV में दोस्तों इस ये यहाँ पे कह कर रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज एडेड न्यू वैकेंसी फॉर द साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट्स ऑन मई 13, यानी कि दोस्तों जो DRDO है वो जो है नई वैकेंसी ऐड करने वाली है जो साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद ये कर रहे हैं, ऑन मई 13 DRDO हैज़ अनाउंस द रिक्रूट फॉर टोटल 167 पोस्ट, यानी कि दोस्तों DRDO ने 13 मई को ये अनाउंस किया था कि दोस्तों इसमें जो टोटल एक पोस्ट होगी इसमें साइंटिस्ट बी के लिए होगी 167 पोस्ट, ठीक है दोस्तों। और नाउ दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है, दोस्तों इसमें आपसे कहा गया है कि अगर आपने ग्रेजुएट किया है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो दोस्तों जस्ट लाइक आपने BE BTECH किया हो तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और एक और कहा गया है, एक कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन साइंस, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है, ठीक है साइंस में, तभी जाके दोस्तों आप इसको जो अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो आपके पास अगर ग्रेजुएट डिग्री है इंजीनियरिंग की तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक और बता रहा हूँ यहाँ पर और क्या क्या लिखा है, विथ द इंक्लूजन ऑफ दिस डीज वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विल बी टोटल 41 पोस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के उनके लिए जो टोटल जो 41 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विल हैव टोटल 43, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए जो 43 पोस्ट होगी, ठीक है। आप देख सकते हो 43 पोस्ट मैकेनिकल और 41 पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विल हैव टोटल 32 वैकेंसी, यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर साइंस से जो इन्होंने ग्रेजुएट किया है इंजीनियरिंग तो दोस्तों उनके लिए टोटल जो 32 वैकेंसी है इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा, एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विल हैव 9 वैकेंसी, यानी कि दोस्तों जिन लोगों के पास जो है वो एरोनॉटिकल जिन्होंने इंजीनियरिंग जो है दोस्तों इस ट्रेड में किया है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से जिसने इंजीनियरिंग किया है दोस्तों उनके लिए जो टोटल जो 9 वैकेंसी इसमें रहने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के ये आपका जो 167 वैकेंसी के लिए पोस्ट वैकेंसी आएगा, ठीक है। और दोस्तों ये आपका जो है साइंटिस्ट भी पोस्ट के लिए आएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात यहाँ पर एक और कहा गया है, कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड थ्रू गेट एंड नीट, इसको नेट NET के जो आपका एग्जाम होगा उसी के स्कोर के हिसाब से आपका जो है आपको जो सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और नाउ दोस्तों एक और यहाँ पे कहा गया है कि द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ DRDO साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट्स विल बिगिन ऑन 22, यानी कि दोस्तों इसका जो फॉर्म जो भराएगा दोस्तों वो जो 22 मई से लेकर के आपका जो वो 10 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो। और दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फी के बारे में, तो दोस्तों देखो फी के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कहा गया है देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर SC ST एंड PW एंड वोमेन कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों जो अगर आप SC से या फिर ST से या फिर दोस्तों PWD किसी में से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपको कोई जो है वो फी नहीं देने वाली है, ठीक नहीं देनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर मान लीजिए कोई जो है फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है मेल की नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट है दोस्तों उनको भी कोई फ़ी नहीं देने वाली, उनके लिए जो फॉर्म जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर उसके बाद लिखा है अदर कैंडिडेट हैव टू पे एप्लीकेशन फी RS 100, यानी कि दोस्तों जस्ट लाइक आपका अगर आप जनरल यानी कि ऑन रिजर्व, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऑन रिजर्व और OBC से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपको जो है 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है।
और ना दोस्तों इसमें एक और बात कहा गया है, ऑन दी अदर हैंड DRDO इज येट टू कंडक्ट द मल्टी टास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट ए टोटल। हाँ दोस्तों देखो जो यहाँ पे DRDO के द्वारा जो ये MTS पोस्ट के लिए 1817 के लिए पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, तो दोस्तों देखो इसका भी एग्ज़ाम जो है ना, जो आपका MTS का एग्ज़ाम है, MTS का एग्ज़ाम है दोस्तों, हो सकता है जब ये जब इसका एग्ज़ाम हो तो दोस्तों उसी के साथ साथ दोस्तों आप इन दोनों का एग्ज़ाम आपका हो सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक दोस्तों ये आपका देख सकते हो यहाँ पर इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई है, ठीक है। तो दोस्तों देखो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका जो अगर DRDO MTS का एग्ज़ाम होता है तो ठीक है उसकी तो हो सकता है उसी के साथ साथ दोस्तों आपका जो ये साइंटिस्ट भी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है ये भी कंडक्ट करा लिया जाए, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा जो टाइम नहीं लगेगा, अगर हम बात करें DRDO MTS की तो दोस्तों उसमें कैंडिडेटों की संख्या जो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और दोस्तों हम मैं आपको बता दूँ DRDO MTS में टोटल जो ऑलमोस्ट 40 से 42 लाख यानी कि 40 से लेकर के 42 लाख फॉर्म भर गए हैं। और दोस्तों इस मैं बात करूँ इसकी तो दोस्तों इससे 167 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया, तो दोस्तों इसका फॉर्म ज़्यादा भरा नहीं जाएगा। और दोस्तों वेरे जब हम बात करें MTS की एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों MTS में हमसे जो वो 10th पास ही मांगा गया था, ठीक है। पर दोस्तों DRDO में इसमें आपको जो इंजीनियरिंग डिग्री भी मांगी जा रही है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसके लिए जो उतना ज़्यादा जो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। हो सकता है इसका जो फॉर्म मैं मान के चलता हूँ, मान लीजिए 8 से लेकर के 10 हज़ार इसका फॉर्म जो फिलअप होता है, तो दोस्तों DRDO को मैनेज करने में भी इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका DRDO MTS और साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम है ये एक ही साथ हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों और उसके बाद मैं आपको एक और डिटेल दे दूँ साइंटिस्ट बी की सैलरी के बारे में। तो दोस्तों देखो आपको यहाँ पे देख सकते हो ये जो साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए इसमें आपको जो लेवल 10 के हिसाब से एज 7 CPC कमीशन आपको लेवल 10 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और दोस्तों आपको जो इनिशियल पे होगा दोस्तों वो होगा 56,100, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको 56,000 ही मिलेगा, अगर आप इसको और भी ज़्यादा कैलकुलेट करोगे दोस्तों जो आपको अलाउंसेस हो गया और भी वेरियस चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, तो दोस्तों ये आपकी सैलरी ऑलमोस्ट दोस्तों 1 लाख के आसपास आपकी जो है सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो। और दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो दोस्तों आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।